बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्षी पार्टियों ने अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। योजना वापस लेने की मांग की, कहा कि योजना के विरोध में सदन से सड़क तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसे लेकर माले के सदस्यों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। माले विधायक मनोज मंजिल से बात की हमारे संवाददाता शक्ति ने। विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी जो है अग्निपथ योजना के विरोध में जो है विपक्षी जो सदस्य हैं वो विधानसभा के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, माले के विधायक मनोज मंजिल हैं हमारे साथ। सर, आज अंतिम दिन है और आज भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से भाजपा आई है बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, तबाही ही तबाही है, महंगाई ही महंगाई है, बदहाली ही बदहाली है, नफरत ही नफरत है। अग्निपथ भर्ती योजना जवानों के साथ धोखा है, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और तानाशाही है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सदन के अंदर अग्निपथ भर्ती योजना पर प्रस्ताव पारित हो, सरकार डिबेट कराए, पार्लियामेंट में डिबेट हो, नेशनल डिबेट हो, हम लोग यही चाहते हैं। आप देखें, मनोज झा अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लिए, सहनी परिवार बिहार में अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लिए। तो एक तरफ भूखमरी है, आत्महत्या है, बेरोजगारी है और दूसरी तरफ सत्ता की दमन है और लाठी है। सर, जिस तरह से बिहार में जो है वो कई जनहित के मुद्दे जो रहे, इतने छोटा मानसून सत्र था लेकिन जनहित के मुद्दों पे जो चर्चा नहीं हुई, इससे बिहार के लोगों को भी जवानों का भविष्य क्या जनहित में नहीं आता? देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, देश और जवानों के रोजगार, नौजवानों के रोजगार और भविष्य, उनकी जिंदगी, उनकी जवानी, क्या ये जनहित में नहीं आते? सरकार क्यों भागना चाह रही है? हम लोग तो कह रहे हैं कि मनोज झा के सारे परिवार ने आत्महत्या किया, हम तो कह रहे हैं कि सहनी परिवार के सारे परिवारों ने आत्महत्या किया। मनोज झा के परिवार से ये सरकार राशन कार्ड छीन ली, वो परिवार रिक्शा चलाता था, वो परिवार मजदूरी करता था और उस परिवार से ये सरकार राशन कार्ड छीन ली। ये तो हम लोग चाहते हैं कि रोजगार पर बहस हो सदन के अंदर। ये सेना में आप ढांचागत बदलाव ला रहे हैं ना, कंस्ट्रक्चरल चेंज ला रहे हैं, तो नेशनल डिबेट और पार्लियामेंट में डिबेट से क्यों भागना चाह रहे हैं? क्या देश से कंसल्टेशन करने का, डिबेट करने का, राय लेने का, क्या ये लोकतंत्र में नहीं आता? क्या ये जनहित में नहीं आता? इसलिए जवानों के रोजगार, इस देश में आधी से ज़्यादा आबादी वो 17 साल से 25 साल के हैं नौजवानों की, और उस जवानों का भविष्य नहीं है, अस्थाई नौकरियां नहीं हैं, रेलवे में नौकरियां नहीं बची ना अस्थाई, ना बैंक में बची, ना टीचिंग में, ना मेडिकल में, सेना भी थी, सेना को भी आप बर्बाद कर देंगे, सेना की एकता को तोड़ देंगे, मनोबल को गिरा देंगे। तो दो तरह के सवाल है, अग्निपथ भर्ती योजना एक तरफ सवाल है नौजवानों के सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार के, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। तो ये सबसे बड़ा जनहित के मुद्दे हैं। संघ सेना राज्यों से ना हमारा देश बना है, ये फेडरल स्टेट है, फेडरल स्टेट है, तो हम लोग यहाँ प्रस्ताव पारित कर सकते हैं ना और केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। नीतीश जी अपना स्टैंड क्लियर करिए, जादू बाहर में बोलती है कि अग्निपथ योजना पर सरकार पुनर्विचार करे, लेकिन आप सदन के अंदर नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक दो मुहापन है, ये राजनीतिक दोगलापन है, ये नहीं चलेगा। ये थे हमारे साथ माले के विधायक मनोज मंजिल, जिनका कहना था कि बिहार विधानसभा में खास करके जेडीयू के नेता जो है वो बाहर में बयानबाजी करते हैं अग्निपथ को लेकर, लेकिन बिहार विधानसभा के अंदर में जो है वो जेडीयू को, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पटना से न्यूज़ बास को बोले।